आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जाता है ड्राई राशन। उत्तर प्रदेश में पुष्टाहार की कालाबाजारी का मामला बहुत तेज गरमाया हुआ है। अभी हाल ही में आगरा में ऐसा ही एक कांड हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने खोली अधिकारियों की पोल, क्योंकि आगरा में 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हुई थी निलंबित। सबसे पहले आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की यह न्यूज। अभी कुछ दिन पहले की बात है, यह पेपर की कटिंग जो आप देख रहे हैं वो अमर उजाला पेपर में यह समाचार निकाला गया था, जिसमें गोदाम मालिक हुआ फरार, 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुई निलंबित। इसमें 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसलिए दिया गया है बहनों, क्योंकि ये एक दो दिन बाद की बात है और जैसे जैसे जांच होती गई तो सब मिलाकर 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इस मामले में निलंबित किया गया था। राशनों की कालाबाजारी हो रही है, इसकी सूचना मिलते ही अधिकारी तुरंत संज्ञान में आए। और आपको बताते चले, जो ये दाल तेल और दलिया का कालाबाजारी किया गया था, ये सामान किराना दुकानों पर जाना था, आंगनबाड़ी का दाल और रिफाइंड तेल। और आपको बताएं, ओरिजिनल पैकेट को खोल दिया गया था, जिससे कि ये पता न चलने पाए कि यह ICDS विभाग से दाल और तेल आया हुआ है। तो इस तरह से कालाबाजारी चलती है, और इसको दुकानों पर गोदामों में इसका भंडारण किया जा रहा था, इकट्ठा करके इसको बेचा जाता। तो ये कालाबाजारी चल रही थी आंगनबाड़ी केंद्रों के पुष्टाहार की, जो कि छोटे बच्चों को 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को, गर्भवती धात्री को ये राशन दिया जाता है, कुपोषित बच्चों को दिया जाता है। इन बच्चों के राशन की कालाबाजारी बाजार में हो रही थी। इसमें शामिल 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी निलंबित किया गया था। और आपको बताते चलें, जब यह आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ निलंबित हुई, तब इन्होंने अधिकारियों की पोल को खोलना शुरू किया। उन्होंने बताना शुरू किया कि किस मजबूरी में इन्होंने राशन की कालाबाजारी की है। आपको विस्तार से बताते हैं, आगरा पोषाहार चोरी मामले में अब उच्च अधिकारियों की पोल खुलने लगी है। विकास भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक के अधिकारियों की वजह से प्रशासन खूब बदनाम हो रहा है। अब आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा पोल खोलने से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे ADM नागरिक आपूर्ति और DPO दोनों अधिकारियों की जांच शुरू हो गई है। अवैध भंडारण व कालाबाजारी के आरोप में राशन माफिया महेंद्र हेमेंद्र उर्फ गोपाल, सुमित अग्रवाल, मनीष आदि फरार हैं। पुष्टाहार वितरण घोटाले में आंगनबाड़ी की दाल व रिफाइंड खरीद कर बेचने वाले प्रवीण अग्रवाल से पुलिस उसके साथियों ने नाम नहीं उगलवा सकी है। राशन माफिया से मिली भगत के चलते ADM नागरिक आपूर्ति पर भी गाज गिर चुकी है। शासन ने ADM की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। ये कमेटी 1 सप्ताह में आगरा आकर जांच करेगी। साथ ही ADM कार्यालय का कर्मी गौरव शर्मा को भी निलंबित कर दिया गया है। गौरव शर्मा पर राशन माफिया के गुर्गों को संरक्षण देने का आरोप है। मुख्य विकास अधिकारी ने DPO की जांच के लिए नोटिस जारी कर दिया है। सोमवार को जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगी। आंगनबाड़ी यूनियन द्वारा DM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पुष्टाहार वितरण घोटाले में निर्दोष महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अवगत हो कि जिले में पोषाहार चोरी के मामले में DPO, CDPO, सुपरवाइजर सहित 17 आंगनबाड़ी वर्कर निलंबित हो चुकी हैं। पुष्टाहार की कालाबाजारी में पोल खुलने पर DPO, CDPO, मुख्य सेविका और 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निलंबित होने के बाद भी अभी और भी आंगनबाड़ी वर्करों पर जांच की जाएगी। इसको लेकर जिले की सभी आंगनबाड़ी वर्करों में खलबली मची हुई है। वहीं आंगनबाड़ी का कहना है कि सोमवार को DM से मिलकर वो भी विभागीय अधिकारियों की पोल खोलेंगी। अब जिले के शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार की आपूर्ति और वितरण के रजिस्टरों की जांच
की जा रही है। इन सभी की क्रॉस चेकिंग की जाएगी। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का वीडियो स्तर से सत्यापन किया जाएगा। अगर इन केंद्रों की सही से जांच की गई तो जिले की 80% आंगनबाड़ी वर्करों का निलंबन होना तय है, जबकि क्षेत्रों की मुख्य सेविक आंगनबाड़ी वर्करों से विरोध प्रदर्शन न करने और अधिकारियों पर आरोप न लगाने को दबाव बना रही है।